पूर्णिया के कला भवन में प्रमंडलीय स्तरीय सह जिला खरीफ महाअभियान महोत्सव प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के द्वारा किसानों को खेती के नए तरीकों के बारे में बताया गया। मौके पर पटना से आए कृषि निदेशक, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज के कृषि पदाधिकारी, निदेशक आत्मा एवं अन्य विभागों से आए पदाधिकारी एवं दूर दूर से आए कृषक उपस्थित थे। किया गया क्या औचित्य इसके पीछे खास है? खरीफ कर्मशाला का आयोजन हम लोग पूरे खरीफ मौसम में जागरूक की जाने वाले गाँव की रणनीति तैयार करने के लिए आयोजित करते हैं। वैज्ञानिकों से के द्वारा फील्ड कर्मियों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दिया जाता है तथा योजनाओं और तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाती है। सभी फील्ड ऑफिसर्स के ये नॉलेज को अपडेट करने तथा उसको राज्य सरकार द्वारा लिए गए योजनाओं के बारे में जानकारी देने तथा उसको प्रदर्शन करने की हेतु रणनीति तैयार करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। सभी फील्ड स्तर के पूरे प्रमंडल के फील्ड स्तर के कर्मियों को बुलाया गया है। इनको इस खरीफ सीजन में क्या काम करना है उसको बिंदुवार बताया जाएगा। उनके दायित्व को सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों के दायित्वों को समझाया जाएगा ताकि हमारे आने वाले समय में खरीफ का आम जानवर सही तरीके से। कृषि विकास के लिए नई तकनीकी या जो हमारे सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य है, नया लक्ष्य है खरीफ के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग ये कार्यशाला आयोजित किए हैं। इसमें आज क्या क्या चीज़ है, किन किन विषय पर चर्चा? इसमें हम लोग जो योजना है निर्धारित है किस योजना में खरीफ के अंतर्गत काम करना है उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। दूसरी बात कि जो खरीफ फसल है स्टैंडिंग हमारे क्षेत्र में उसके बारे में हमारे बड़े वैज्ञानिक लोग आए हुए हैं, उससे तो उस विषय पर जानकारी दी जाएगी। अगर कुछ किसानों की समस्या आती है या पदाधिकारी या कर्मचारी में समस्या होती है तो उसका भी हम लोग इसमें समाधान करते हैं। किसानों को क्या फायदा होगा ये कार्यशाला के? इस कार्यशाला से बहुत सारी जानकारी हमारे किसान या हमारे बीच उपस्थित जो भी कर्मचारी हैं पंचायत लेवल के ब्लॉक लेवल पर, उनको ये जानकारी हो जाएगी कि इस खरीफ कर्मशाला में हमको क्या क्या करना है, इस खरीफ सीजन में ये जानकारी हमको कर्मशाला में देना है। देख लीजिए, अगर बाढ़ और सुखाड़ जलवायु का प्रकोप जो पड़ रहा है उसको जो झेलेंगे, अदरवाइज पूर्णिया या इसके इर्द गिर्द जितने भी जिले हैं जो हमारे प्रमंडल में आते हैं या दूसरे प्रमंडल में हैं, हम अपने प्रमंडल के बारे में कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। और आप कभी देखे होंगे कि मक्का का सबसे बड़ा ग्रोइंग जो क्षेत्र है वो हमारा प्रमंडल है। हालांकि अगर बात करें कुछ जिले हैं जैसे भागलपुर के कुछ जिले हैं, सहरसा के भी हैं, लेकिन मेन हमारा पूर्णिया का मेन ग्रोइंग जो है मक्का का, ये हमारा पूर्णिया प्रमंडल। सर मक्के की बात की जरिए, पहले गेहूं भी यहाँ बड़ा बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, लेकिन अब या धान भी अब, लेकिन उसकी अब वो क्यों हासिल पे गया? ये बात आपने सही कहा, पहले धान और गेहूं दो लिया करते थे। अब गेहूं के जगह मैंने रबी मक्का और गर्मा मक्का, ये दो मेन मक्का है जो यहाँ ज़्यादा उगाया जा रहा है। यहाँ तक कि बोरो धान का भी क्षेत्र जो है वो मक्का में प्रभावित हो रहा है। कहने का मतलब वो घट रहा है, ये बढ़ रहा है। इसके पीछे यही है कारण कि किसानों को जिसमें नेट प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो किसान करेगा। तो अभी मक्के की खेती बहुत अच्छी है, प्रॉफिटेबल है और किसान इसके पीछे लगे हुए हैं। विभाग भी इसमें मदद कर रहा है, हमारे वैज्ञानिक भी जो है वो भी इस मामले में सजग है और इसमें मदद कर रहे हैं। सर किसानों की लगातार शिकायत है कि मक्के की सही लागत उन्हें नहीं मिल पा रही है, इसमें क्या कहना है? मक्के में दिक्कत नहीं है, मक्के में ऐसा नहीं है। और सब फसल में जैसे गेहूं वगैरह में नेट रन जो है वो बहुत कम होता था, जो उनकी लागत लगती थी मान लीजिए कि 20,000 रुपया लगा और 25,000 प्रॉफिट आया उनको, नेट प्रॉफिट 5,000 था। लेकिन मक्के में जस्ट डबल से ही ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा। और इस वर्ष मक्के का रेट भी बहुत अच्छा है, हम समझते हैं 1700-1800 रुपया पर किलो।